बैक टू माई सारा आर्ट एंड डिज़ाइन मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके पास रेडीमेड पैंट है जो कि आपको परफेक्टली फिट है और या फिर आपके पास आपकी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका नाप आपको परफेक्ट नहीं आ रहा है उसमें भी कोई ना कोई दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ रही है तो हम जो हमारी ऑलरेडी सिली हुई पेंट है मान लीजिए कोई आपने कहीं बाहर से परचेज करी हो या फिर आपने किसी टेलर वगैरह से या किसी बुटीक से सिलवाई हो जिसकी फिटिंग आपको बहुत ही परफेक्ट आती है कई बार होता है ना कुछ कुर्तीज होती हैं या कुछ पेंट होती हैं या कुछ ट्राउजर्स होते हैं जिनकी फिटिंग हमें बिल्कुल परफेक्ट आती है तो आप उस ट्राउज़र को उठा सकते हो और उसके बाद उसके ऊपर से हम नाप किस तरीके से ले सकते हैं ताकि हमारा जो हम अपने ट्राउज़र क्रिएट करें या अपनी पैंट्स बनाएं तो वो बहुत ही परफेक्टली बने तो इसमें नाप लेने का बेहद इजी तरीका जो है वो मैं आपको बता रही हूँ केस अगर आप कोई बुटीक वाले हो या फिर आपने नया नया बुटीक स्टार्ट किया है या फिर आप टेलरिंग करते हो घर पे या फिर आप डिज़ाइनिंग करते हो तो उनके लिए भी ये बहुत ही ईजी और बहुत ही डिफरेंट तरीका है बहुत सिंपल तरीका है कई बार क्या होता है कुछ कस्टमर्स होते हैं वो हमें अपना ट्राउज़र पकड़ा जाते हैं और बोलते हैं नहीं हमें तो सेम टू सेम इसी का ही फिटिंग चाहिए तो उसकी फिटिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए वो बातें मैंने इसमें बताई हैं उसमें कुछ टिप्स बताए हैं आप उनको यूज करके वो बहुत ही परफेक्टली जो है वो सेम टू सेम ट्राउज़र जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जितनी भी न्यू न्यू वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो इसके लिए लेनी है आपको कोई भी पेंट वो पेंट लीजिएगा या फिर आप वो ट्राउज़र वो प्लाज़ो लीजिएगा जो कि आपको परफेक्टली फ़िट हो जिसमें कोई झोल ना आता हो जो खिंचता ना हो जिसका आसन हो गया या फिर जिसका लेंथ हो गई परफेक्टली फ़िट ट्राउज़र चाहिए या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ट्राउज़र आपको दे के जाते हैं कि किसी और का बनाना है हमारे पास हम नाप देने नहीं आ सकते हैं आप ये ट्राउज़र ले लीजिए तो किसी और के ट्राउज़र से या अपने ही ट्राउज़र से जो आपको लगता है बहुत ही फिट है परफेक्ट है मेरे को ऐसे ही चाहिए जिसमें बहुत कम्फर्टेबल है उस ट्राउज़र से हम किस तरीके से नाप ले सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें लेनी होती है लेंथ तो ये जो क्रीज वाला पोशन है ये हमारा सेंटर पोशन होता है हमेशा यहाँ से हमें जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो रख के हमें नाप लेना है तो इसमें ट्राउज़र की टोटल लेंथ जो है वो थर्टी थ्री इंचज है इसमें हमें बेल्ट वाला पोर्शन का हिस्सा निकाल देना है क्योंकि बेल्ट बाद में ऐड होती है तो पहले हम सिर्फ थर्टी थ्री इंचज़ लिख लेंगे इसका साइज जो कि इसकी टोटल लेंथ है वो बाकी जो भी ऐड ऑन करना है या जो सब्ट्रैक करना है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इसके बाद हम लेंगे इसका कमर वाला पोर्शन जनरली कमर पोशन जो है हम बॉडी जब मेजरमेंट करते हैं तब लिया जाता है बट इसमें भी हम जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो यहीं से हमें पता चल जाएंगे क्या क्या हैं तो इसमें भी हमें बेल्ट वाला हिस्सा ही यूज़ करना है यहाँ पर हम बेल्ट वाले हिस्से को साइड से लेंगे और ये देखें ये आधा इंच जो है अंदर सिलाई की तरफ है तब आप दो तरीक़ों से ले सकते हो डायरेक्टली सिलाई टू सिलाई मतलब जितनी हमारी सिलाई है वहाँ तक या फिर सिलाई से आधा इंच उधर छोड़ के आधा इंच इधर छोड़ के उसके बाद तो ये आ रहा है नाइन इंचेस जो कि हमारा एक्स्ट्रा सिलाई छोड़ी है उसमें भी और यहाँ पे हम बेल्ट नाप लेंगे जो हमने डार्ट दिया है वो कितने का है वो वन इंच का है मतलब कि ये टू इंच का डार्ट हो गया यहाँ पर तो ये टोटल हो जाएगा इलेवन इंच जिसमें हमारी साइड स्टेन भी आती है यहाँ तक ये आ रहा है एट इंच और इसमें हम रख लेंगे आधा इंच एक्स्ट्रा सॉरी एक इंच एक्स्ट्रा प्लस दो इंच ये तीन इंच हमें इसमें और ऐड करना है और उसके बाद हम ले लेंगे अपना यहां पे क्रॉच एरिया तो क्रॉच एरिया हमें आधा इंच ऊपर बेल्ट की तरफ छोड़ते हुए जो हमारी लंबाई है वहां से भी हमें आधा इंच और ले लेना है जो कि अराउंड आया है टेन एंड हाफ और यहां से यहाँ तक ये हमारा थाई वाला पोर्शन हो गया और इसमें भी एक इंच हमें कम करके लेना है क्योंकि हम इसमें डेढ़ इंच जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और उसके बाद आ जाता है हमारा मोरी वाला पोशन मोरी वाले पोर्शन में भी आधा इंच हमें साइड पे छोड़ना है और फिर उसके बाद हमें सिर्फ फ्रंट मोरी का नाप लेना है क्योंकि बैक साइड की मोरी हम ऑलरेडी जो हमारा फ्रंट होता है उससे हम लेते हैं आधा इंच सॉरी डेढ़ इंच एक्स्ट्रा तो ये हमारे मेजरमेंट्स जो कि हमने लिए हैं तो ये है थर्टी थ्री इंचज जो कि हमारी लेंथ है इसमें अब हम सीम अलाउंस के लिए ऐड करना है हमें तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि एक इंच जो हम यहाँ पर बेल्ट वाले पोर्शन का सब कर देंगे जो रह जाएगा थर्टी टू अब थर्टी टू में हम यहाँ पे दो इंच ऐड करेंगे जो कि स्टिचिंग में आएगा आधा इंच और फिर उसके बाद आएगा फोल्डिंग में डेढ़ इंच यहाँ पे वन पॉइंट फाइव इंच फोल्डिंग में और यहाँ पे आधा इंच जो है वो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो या कम कर सकते हो अगर मतलब आपको फोल्डिंग नीचे से ज़्यादा चाहिए तो आप इसको और ज़्यादा रख लीजिए अगर आपको नीचे डिज़ाइन देना है तब आप इसको अपने हिसाब से लेंथ को कम या ज़्यादा रख सकते हो कि आपको कितने का डिज़ाइन देना है उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो कमर वाला पोर्शन हमने नापा था नाइन इंचिस और नाइन इंच हमारा आता है वन फोर्थ ऑफ द कमर जो भी हमारी कमर होती है उसका वन फोर्थ प्लस टू इंच आता है हमारी जो प्लीट्स आती हैं डार्ट आते हैं उसके लिए नाइन इंच में भी हमारा एक इंच जो है वो एक्स्ट्रा जो सिलाइयाँ होती हैं साइड पे उसके लिए रहेगा तो यहाँ पे कमर है थर्टी टू थर्टी टू का फोर्थ आ जाता है एट एट प्लस वन अलाउंस के लिए हो गया और टू तो इंच की हमारी प्लीट्स हो गई तो ये टोटल इलेवन इंच बन जाता है अब उसके बाद हमारा आता है आसन वाला पोषण तो आसन वाले पोषण में जनरली मैंने ऑलरेडी बता रखा है एक वीडियो में कि हमें अपनी थाई के अकॉर्डिंग कितना आसन लेना चाहिए तो थाई का हमने नाप लिया था वो आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट फाइव और अगर हम ट्वेल्व पॉइंट फाइव को टू टाइम्स जो ऐड करते हैं वो बनता है ट्वेंटी फाइव इंचज़ जब भी हम नापते हैं तो उसमें हम पांच इंच ज्यादा रखते हैं तो ट्वेंटी फाइव इंचेस के हिसाब से हमारा आसन फ्रंट वाला आता है टेन इंचज और बैक साइड पे हम टू पॉइंट फाइव इंच और ऐड करते हैं जो भी बैक साइड का पोर्शन है उसके लिए हम टू पॉइंट फाइव इंच और ऐड कर लेंगे उसमें हम क्या करेंगे 1.5 इंच और ले लेंगे जो हमारा नीचे वाला आसन है उसी को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पर हम डेढ़ इंच का और गैप दे देंगे और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 2.5 इंच एक्सटेंड कर देंगे ताकि वो इसलिए एक्सटेंड किया जाता है जब भी आप बैठो झुको तब आपका जो पेंट है वो नीचे की तरफ या कोई भी ट्राउज़र है वो नीचे की तरफ को ना खिसके तो अलग अलग साइजेस के हिसाब से ये अलग अलग चार्ट ऑलरेडी मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है तो ये था हमारा मेन पार्ट जो कि हमने दिखा दिया मैंने आपको कि हमें किस तरीके से रखना है कितना कितना लेना है कितना कितना उसमें ऐड करना है तो उसके अलावा आ जाता है एक बार दोबारा दिखा देती हूँ ये हमारा बेल्ट वाला पोर्शन है तो ये ढाई इंच का जो हिस्सा है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है पीछे और जब भी नाप लेना है आप दो तरीक़ों से ले ले सकते हो सिलाई टू तो सिलाई या फिर जो है आधा आधा इंच साइड से छोड़ के सिलाई टू सिलाई लोगे तो एक इंच ऐड करोगे और अगर आप वैसे लोगे नॉर्मली तब हम इसमें जो कमर का एरिया है उसमें हमें तीन इंच ऐड करना है और उसके बाद हमें लेना है यहाँ से अपना आसन आसन भी हमें ऊपर सिलाई से नीचे वाला जो कर्व पोशन है वहाँ तक लेना है आसन वाला पोशन हो गया उसके बाद हमारी आ जाती है यहाँ पे थाई थाई आप अपने जनरली अपने हिसाब से कमियाँ ज़्यादा रख सकते हो बट अगर आपको ये परफेक्टली फिट है या फिर सामने वाला कहता है कि हमें सेम साइज़ चाहिए इसमें कोई भी उन्नीस बीस का फ़र्क नहीं होना चाहिए तो सेम साइज़ के लिए यही चीज़ें होती हैं आप इनको केयरफुली देखिएगा और इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं इलेवन इंचज़स का आ रहा है तो हम इसमें एक इंच जो है डेढ़ इंच जो है वो ऐड कर देंगे क्रॉच एरिया के लिए जो आगे रहता है हमारा तो यहां से इलेवन टू इलेवन बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा हमारा ऊपर से नीचे तो डेढ़ इंच हमारा ऐड हो जाएगा जो हमारा कर्व पोशन के लिए आता है उसके लिए तो बिल्कुल स्ट्रेट रखिए इसे ढंग से, से रखिए और फिर उसके बाद इसे सिलाई के लिए लिए और अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे उनको टाइट लग रहा है या आसन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आप यहाँ पे म्यानी वगैरह डाल सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा में आता है मैनी के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं उसके बाद हमारा आ जाता है बीस इंचिस पे बीस इक्कीस उतने पे हमारा घुटना आएगा और घुटने का नाप भी आप इसी तरीके से सेम ले सकते हो बट हमें इसमें भी सिर्फ फ्रंट ही नापना है बैक नहीं क्योंकि बैक में हम ऑलरेडी Uh, डेढ़ इंच जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं सो so, ये था पेंट की नाप लेने का ट्यूटोरियल सिली हुई पेंट से अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय